इसका माना क्या है? अल्लाहु अलम बि मुरादी, इसकी मुराद अल्लाह जानते हैं। पिछली सूरतों की तरह इस सूरत का आगाज भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी पाक कलाम की हक्कानियत से करते हैं कि पिछली सूरतें भी जो पढ़ते आ रही हैं वहां भी अल्लाह कहते हैं ये मेरी तरफ से, ना तो रसूलुल्लाह ने इसे बनाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना ये किसी इंसान की तख्लीक या सोच है। तंजीलुल किताब, ये किताब नाजल की गई है मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से। अल्लाह कौन है? अल अजीज, जो हर चीज पे गालिब है। अल हकीम, और बड़ा ही हिकमत वाला है। ये उस गालिब और हिकमत वाले अल्लाह की तरफ से नाजल की गई किताब है। मा खलकना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिलहक, अल्लाह ने फरमाया जो भी पैदा किया है आसमानों में और जमीन में, वमा बैनहुमा, और जो कुछ इसके दरमियान है, इल्ला बिलहक, मैंने हक के साथ पैदा किया है। इसमें कोई भी चीज फजूल नहीं है। आप देखें सूरत आले इमरान की वो आयात जो हम रोजाना फजर से पहले पढ़ते हैं, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैल वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے اللہ ان میں سے کوئی چیز تو نے فضول نہیں بنائی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے حق کے ساتھ یہ چیزیں بنائی ہیں, واجل مسمى, اور ایک معین مدت کے لیے بنائی ہیں, ہمیشہ کے لیے نہیں بنائی۔ एक वक्त आएगा यौम तुबदलुल अर्द गैरल अर्ज, जब इस जमीन को बदल दिया जाएगा, इसको खत्म करके एक नई जमीन अल्लाह ले आएगा जिसके ऊपर महशर का मैदान लगेगा, इस आसमान को गिरा दिया जाएगा। कल्ला इदा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, ये सब कुछ हिला के तोड़ दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं एक महदूद मुद्दत के लिए, वल्लदीन कफरू अम्मा उन्ज़िरु मुरिज़ून, जो लोग कुफर करते हैं जिन चीजों से डराया जाता है उन्हीं बातों से एराज कर रहे हैं। यानी ये कहा जाता है कि ये काम ना करो, वही काम करते हैं। कहा ये तुम्हारे लिए खैर नहीं है, उसके अंदर खैर तलाश करते हैं। ये तुम्हारे लिए बुरा है, जानबूझ के उसे करते हैं। जिन चीजों से डराया जाता है उसी से एराज करते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कुल अरअइतुम, कह दीजिए देखो जरा, मा तदउन मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा खलकू, जिनको अल्लाह के अलावा पुकारते हो, या दाता या गौस या फला मुश्किल कुशा या फला हाजत रवा, जरा मुझे बताओ तो सही, माज़ा खलकू मिनल अर्द, जमीन में से कौन सा हिस्सा उन्होंने बनाया है? मा दखलकु मिन अलार्द, हम लोग शिर्कुन फिस्समावात, या आसमान में से कहां मेरे साथ वो पार्टनर है? आसमान की किस चीज में मेरे साथ वो पार्टनर है कि उन्होंने मेरे, चलो अकेले नहीं बनाया, मेरे साथ ही मिलके बनाया हो। ईतूनी भी किताब में कब लिहाजा, पहले किसी किताब से कोई हवाला तो दो, अवसारत मिन इल्म, या कोई दलील इलम के, इलम की दलील कोई एक दे दो कि जमीन के अंदर इन लोगों ने कुछ बनाया हो या आसमान के अंदर अल्लाह के साथ कोई शराकत दारी हो इनकी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं इन कुंतुम सादिकीन, इनसे कहो अगर सच्चे हो तो कोई दलील ना हो। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वमन अज़ल्लु मिम्मन यद्रू मिन दूनिल्लाह,
उससे बड़ा गुमराह कोई नहीं है जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारता है। यहां ये बात याद रखें, अमूमी तौर पे हम लोग इस बात पे गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि हमारे बर्रे सगीर के मुआशरे में जिस तरह अल्लाह को या अल्लाह लिखा जाता है, इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ भी या लगाया जाता है। यहां मुराद उनकी ऐसे ही होती है जिस तरह हम अल्लाह को पुकारते हैं, ए अल्लाह मेरी बात सुन। इसी तरह वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अकीदा रखते हैं। अल्लाह कहते हैं ऐसा अकीदा मेरी जात के अलावा किसी और से रखना, इससे बड़ी गुमराही कोई नहीं। तो वो ताना ये देते हैं कि ये रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं करते। हमसे ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत किसने करनी है जिनकी सुबह शाम अल्लाह के रसूल के फरामीन पढ़ने और पढ़ाने पर गुजरते, जिनकी दरस के अंदर कुरान और हदीस के अलावा कोई बात नहीं होती, अमली जिंदगी कैसी भी हो कोई भी कुरान सुन्नत के खिलाफ बात सुननी गवारा नहीं करता। हम नहीं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते तो और कौन करे। इसलिए ये बात याद रखें, ये जो पुकारना है अल्लाह के अलावा किसी को मदद के लिए, या ये समझना कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत हर जगह सुनते हैं इस तरह दुनिया में कोई और शख्सियत भी सुनती है, ये बहुत बड़ी गुमराही है। अल्लाह फरमाते हैं वमन अज़ल्लु मिम्मन यद्उ मिन दूनिल्लाह, उससे बड़ा गुमराह कौन है जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारता है। मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक वो इनकी पुकार को कबूल नहीं करेंगे। वहुम अन दुआइहिम ग़ाफ़िलून, वो जिन्हें पुकार रहे हो वो तो तुम्हारी पुकार से ही गाफिल है, तुम्हें पता ही नहीं कि हमें पुकारा जा रहा। वैसा हुशर अन्नास, अल्लाह फरमाते हैं जब मैं लोगों को महशर में जमा करूं, हशर हो गया कानू लहू आदा, ये जिनको पुकार रहे हो वो दुश्मन हो जाएंगे। मैंने कब कहा था मुझे पुकार, मैंने कब कहा था कि मैं मुश्किल कुशा, मैंने कब कहा था कि मैं गौस हूं, मैंने कब कहा था कि मैं दाता हूं। कानू लहू आदा वैसा हुशर अन्नास कानू लहू आदा व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन, ये जो तुम तुम्हें पुकारते हो वो इनकार करेंगे, हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। वैसा तुतला अलैहिम आयातुना, जब उन पे अल्लाह की आयात पढ़ी जाती है और उनमें बय्यिनात उसके दलायल दिए जाते हैं, क़ालल्लज़ीन कफरू, वो लोग जो कुफर करते हैं, लिलहक़ लम्मा जाअहुम, जब हक उनके पास आता है कहते हैं हाज़ा सिहरुन मुबीन, के जादू है, हमारी समझ में ये बात नहीं आती। याद रखें जब तक इंसान अपने जहन के अंदर से शिरक की गंदगी को खत्म नहीं करेगा उसे हक नहीं समझ आएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह शिरक की गंदगी से हम सबको महफूज रखे, अल्लाह अपनी जात पे एतमाद नसीब फरमाए। ये कायनात की हर चीज जो है रेत के जर्रे से लेकर कुरान अजीम जैसी किताब तक सब अल्लाह की तरफ से है। जब अल्लाह की तरफ से है फिर पुकारना भी अल्लाह ही को चाहिए। अल्लाह हमें अपनी जात की तरफ मुतवज्जे रखे, जब तक जिंदा रखे तौहीद पे जिंदा रखे, इसी में मौत नसीब फरमाए। أقول قولي هذا أصدقائي.